दोस्तों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल टेक्नो रेंज में। और आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको हम बताने वाले हैं स्टार मेकर के एक नए अपडेट के बारे में, जो कि है अकाउंट डिलीटेशन का। मींस अपने अकाउंट को आप जब चाहें डिलीट कर सकते हैं। अभी बहुत ही अच्छा अपडेट आया है यहाँ पे, जिससे आप अपने अकाउंट को अपनी मर्जी से चाहे डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आप लोग पहले जब अकाउंट डिलीट करने जाते थे तो वहाँ पर आपको एक फीडबैक देना होता था, और साथ ही साथ उसमें 30 लेवल से ऊपर की आईडी में कुछ रिचार्ज एसएस मांगता था। उसके बाद ही आप जो है आईडी को डिलीट कर सकते थे, और उसके बाद भी बहुत सारे लोगों की आईडी डिलीट नहीं होती थी। मतलब सारा कुछ देने के बाद भी उनकी आईडी जो है डिलीट नहीं होती थी। लेकिन आज के इस वीडियो में जो अपडेट आया है उसके बारे में बताऊँगा। ये अपडेट अभी सारे लोगों को नहीं मिला है, लेकिन हमारे पे आ गया है, तो मैं आपको ये जो एप्लीकेशन है इसका अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जाके गाइस ज्वाइन कर लें। स्टार मेकर का जो है नया अपडेट आया है 8.0.7। अगर अभी तक आपको प्ले स्टोर पर अपडेट नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर मैं अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोगों को जस्ट डाउनलोड करना है और उसी में एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। मीन्स आपको पुराने एप्लीकेशन को डिलीट नहीं करना, अगर चाहें आप डिलीट भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और सीधा आपको अपडेट कर लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास अपडेटेड वर्जन है स्टार मेकर का, और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि ये अपडेट आखिर कैसे है, कैसे आपको अकाउंट जो है डिलीट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं प्रोफाइल पे जाता हूँ, और यहाँ पे दोस्तों आपको सेटिंग पे जाना है। तो सेटिंग के ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा अकाउंट सिक्योरिटी का, तो आपको सिंपली अकाउंट सिक्योरिटी पे जाना है, और यहाँ पे एक नया ऑप्शन आपको शो करेगा डिलीट अकाउंट। तो आपको डिलीट अकाउंट पे जाना है। दोस्तों यहाँ पे कुछ जो है क्राइटेरिया है, कुछ रूल्स है, तभी आप अपने अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ यू वांट टू डिलीट योर अकाउंट यू नीड टू मीट द फॉलोइंग्स रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, आप यहाँ पे लिखा हुआ है यू नीड टू सबमिट योर एप्लीकेशन विद फ्रिक्वेंटली यूज्ड इक्विपमेंट। आपको जो है ये एप्लीकेशन सबमिट करना होगा जो जिस भी फ़ोन पे आपने रिसेंटली अपने आईडी को यूज़ किया है, उसी जो है इससे आपको एप्लीकेशन जो है उसी से सबमिट करना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है योर अकाउंट इज़ करेंटली नॉट बीइंग बैंड और एट एनी अदर स्पेशल स्टेट। आपका अकाउंट बैन नहीं होना चाहिए या कोई दूसरी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए, जैसे मल्टी हुआ या कोई अदर बैन आपके अकाउंट पे लगा हुआ है, तो ये सारा कुछ आपके अकाउंट पे नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द पास्ट 30 डेज, 30 दिनों के जो है दौरान अगर आपने अपना पासवर्ड चेंज नहीं किया है, ठीक है, अगर आपने अभी 30 दिनों के अंदर ही अपना पासवर्ड चेंज किया है तो आप अपने अकाउंट को डिलीट नहीं कर सकते। मीन्स 30 दिन के अंदर आपका पासवर्ड भी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, या कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन अगर आप अकाउंट आपकी सेफ्टी से रिलेटेड है तो वो चेंज नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है रजिस्टर्ड फॉर मोर देन 30 डेज़, 30 दिनों से ज़्यादा आपका अकाउंट जो है ओल्ड होना चाहिए। मीन्स आपने अकाउंट बनाया तो ऐसा नहीं तुरंत आप डिलीट कर लोगे उसको, आपको 30 दिन के बाद ही आप उसको डिलीट कर सकते हैं। मीन्स आपका अकाउंट जो है 30 डेज पुराना होना चाहिए। अब यहाँ पे ये तो सारा रिक्वायरमेंट्स है, साथ ही साथ अगर आप अपने अकाउंट को एक बार डिलीट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या क्या आपके साथ में होने वाला है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ यू विल लूज एक्सेस ऑल सॉन्ग्स एंड वीडियोस यू पोस्टेड बिफोर। आप जो है अपने सारे सॉन्ग्स और वीडियोस जो आपने रिसेंटली पोस्ट किए हैं उसको आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। इन्फॉर्मेशन डेट विल नॉट बी स्टोर्ड सच एज चैट मैसेजेस मे स्टिल विजिबल टू अदर्स। जो इन्फॉर्मेशन जो मतलब स्टोर नहीं की गई है, इन्फॉर्मेशन जो है स्टोर नहीं की जाएगी, जैसे कि चैट हुआ, मैसेज हुआ, ठीक है, मे स्टिल बी विजिबल टू अदर्स, वो जो है दूसरों को दिखाई देगी। मतलब आपने किसी को अगर मैसेज किया है तो वो उसके में रहेगा, शो करेगा, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है You will not get any form of refund of our items you purchased before। आपने जो भी आइटम्स परचेज किया हुआ है स्टार मेकर के थ्रू उसका रिफंड आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप 14 दिन के अंदर अगर आप अपना मोड बदलना चाहते हैं, मीन्स आप चाहते हैं कि अपने एप्लीकेशन जो आपने सबमिट किया है आप चाहते हैं कि अकाउंट मेरा डिलीट नहीं हो, तो 14 दिन के अंदर ही आपको जो है यहाँ पे लॉगिन करना है। अगर आप फिर से लॉगिन कर लेते हैं तो आपका अकाउंट जो है फिर से वापस आ जाएगा, मीन्स डिलीट नहीं होगा। मीन्स जब भी आप जो एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे तो 14 दिन यहाँ पे लग जाएंगे, उसके पहले आप चाहें लॉगिन करके अपने अकाउंट को फिर से ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ यू विल नो लॉन्गर बी एबल टू लॉगिन इनटू दिस अकाउंट आफ्टर 10 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे 14 दिन के अंदर अगर आप जो है लॉगिन नहीं करते हैं तो आप जो है अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, मीन्स आपका अकाउंट जो है डिलीट हो जाएगा। तो ये सारा कुछ पढ़ने के बाद ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करें, और कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे आपको एक रीज़न देना होगा, माई अकाउंट वॉज हरेस्ड एंड अटैक्ड, किस लिए आप जो है डिलीट करना चाहते हैं, आपका अकाउंट जो है हरेस्ड हुआ है या अटैक्ड किया गया है उस पर, या मतलब हैक किया गया है। इसके बाद में दूसरा रीज़न है आई वॉन्ट टू ए न्यू अकाउंट, तो इस पर भी आप लगा सकते हैं अगर आप दूसरा अकाउंट बनाना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू डिलीट ऑल माई वर्क्स विदाउट ओपनिंग बींग सीन बाई अदर्स, मैं डिलीट करना चाहता हूँ जो भी मैंने अकाउंट बनाया है बिना दूसरों के देखे हुए, ठीक है। यहाँ पे साथ ही साथ ये भी रीज़न लिखा, आई वॉन्ट टू कट ऑल कनेक्शन विद फ्रेंड्स फ्रॉम माई ओल्ड अकाउंट, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है ओल्ड फ्रेंड से जो भी कनेक्शन है वो सारा कुछ कट कर दिया जाए मेरे ओल्ड अकाउंट से। तो यहाँ पे जो है आप अपना रीज़न अपने हिसाब से दे सकते हैं। अदर रीज़न देना है तो आप अदर पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे अपना रीज़न को डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। इसके बाद में आपको सबमिट कर देना है और आपका अकाउंंट जो है लॉग आउट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे सबमिट कर, जैसे यहाँ पे माई अकाउंट वाज हरेस्ड एंड अटैक्ड, ठीक है, इस पे क्लिक करके और सबमिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे पूछा जाएगा डिलीट अकाउंट, तो डिलीट अकाउंट पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपका अकाउंट जो है लॉग आउट हो जाएगा और आपका अकाउंट जो है जल्दी ही डिलीट कर दिया जाएगा, मीन्स 14 डेज़ के बाद आपका अकाउंट ये वाला डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों बस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप में अपडेट नहीं आए हैं, ये अपडेटेड वर्जन आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, तो जाके जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। दोस्तों मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कमाल के वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।